नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हम आपको नया वीडियो देते रहेंगे। तो देखिए जो है ये पढ़े सीआरटी पटल पढ़ाई नया सिलेबस हिंदी माध्यम क्लास 12 का गणित भाग 2 है। और देखिए यह प्रश्न किस प्रकार सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक्स प्लस टू है, फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे को संख्या पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो चलिए नीचे हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, क्योंकि माइनस ये एक्स स्क्वायर इधर दिया है तो माइनस हम पहले कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस ए फोर एक्स हो जाएगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए गुणा करके देख लीजिए, सेम ये प्लस हो जाएगा फोर एक्स और फिर प्लस माइनस माइनस वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस टू फिर यहाँ से माइनस ए हो गया, माइनस ए रहेगा ही, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, माइनस फोर एक्स को हम इधर लिख दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमेशा मैं आपको बताया हूँ कि बीच यानी एक्स के गुणांक से जो संख्या दिया रहता है उसके आधा का वर्ग करके जोड़ते हैं। यानी एक्स का गुणांक चार है, चार का आधा दो हो जाएगा, दो का वर्ग इसमें जोड़ देंगे, दो दूना चार हो जाएगा। ये अंदर जोड़ दिए और बाहर भी एक कर दिए, क्योंकि देखिए माइनस का गुणा होगा तो माइनस चार, ये प्लस चार, ये कट जाएगा, दोनों यहाँ से ये संतुष्ट कर देगा इसको। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के सूत्र को एक्स प्लस टू ऊपर दिया है, नीचे हम इसको लिख सकते हैं। चार को पहले लिख लेते हैं, इसको इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक, अंडर रूट में है ये। अब यहाँ से ये एक्स प्लस टू ये नीचे हो जाएगा दो का होल स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक का ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ये डी एक्स हो गया। ठीक है, डी एक्स रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ चार दो दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स माइनस दो प्लस चार, चार में से दो जाएगा तो फिर वही आ जाएगा, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नीचे एक्स माइनस टू आ रहा है। ठीक, अब हमने ऐसा कर दिया। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए एक बार एक्स माइनस टू बटा दो का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस चार डी एक्स अंडर दो का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत पड़ेगा, कोई नहीं, क्योंकि यह यहाँ इसको एक साथ लिया गया है, इसकी बटाइए फिर चार बटा यहाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें टू का होल स्क्वायर और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर को मान लेंगे टी, मानेंगे जब टी तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा टू एक्स माइनस टू, अवकलन करेंगे दो में से एक जाएगा, तो एक लिखा जाता नहीं है, ये डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ से आ जाएगा, ये हमको चाहिए क्या, एक्स माइनस टू डी एक्स का मान चाहिए, तो यहाँ से एक्स माइनस टू डी एक्स माइनस टू डी एक्स का मान हमको ज्ञात करना है, तो एक्स माइनस टू डी एक्स बराबर माइनस डी टी बटा टू हो जाएगा, टू से यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसके जगह क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस डी टी बाई टू अंडर रूट टी हो जाएगा। आगे चल के चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या होगा, ये यहाँ था हमारा एक्स माइनस टू डी एक्स और नीचे था टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस टू का ये होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ निकाला था तो माइनस डी टी बाई टू आ गया और अंडर रूट क्या टी मान ली, टी हो गया क्योंकि टी मान रखा था, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से माइनस एक बटा दो इधर आ जाएगा, ये डी टी बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और यहाँ से ये चार है। अब यहाँ ये देखिए बड़ी आसानी से आपका ये सूत्र पर जो है आधारित है,
ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, वन बाई करके जो रहता है यहाँ, तो ये अंडर रूट को हटा दीजिए, डी टी बटा टी पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स बाई यानी एक्स बाई 2/2 हो जाएगा, ठीक। और ये ऊपर जाएगा तो टी पावर माइनस 1/2 डी टी हो जाएगा, 4 साइन इनवर्स ये हो गया 2, ठीक। अब यहाँ माइनस 1/2 टी पावर प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1, 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 माइनस 1/2 टी पावर 1/2 आएगा, नीचे 1/2 आएगा, 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2/2, 2 ऊपर जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये माइनस टी आ जाएगा, अंडर माइनस टी अंडर रूट में आ जाएगा, 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2/2। अब जो हम टी का मान रखे हैं वह मान इसमें भर देंगे, 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 2/2 प्लस सी। इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन किस प्रकार है, देखिए 21वां क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा। ये दिया है समाकलन x प्लस 2 डी एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हमेशा ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए एक बहुत आसान तरीका है कि आप इसको अगर नीचे वाली चीज़ ये नीचे वाले हम चीज़ को अगर t मानते हैं तो इसका अवकलन करते हैं तो 2x प्लस 2 आ जाएगा, जबकि ऊपर 2x प्लस x प्लस 2 है, यहाँ 2x नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए, इसमें क्या करते हैं इसको x प्लस 1 प्लस 1 कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, x प्लस 1 प्लस 1, 2 को हम 1 1 दो बार लिखेंगे, लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 1 को यहाँ ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको निधि अंदर इसको मानते हैं टी तो 2x प्लस 2 आएगा, हम जबकि यहाँ पर 1 है तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। चलिए कर देते हैं, 2 से भाग दे दिए, 2 से गुणा कर दिए। यह आइडिया अगर आप जान गए तो आप जो है बहुत आसानी से समाकलन पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से इसको गणित में जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो है इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हम क्या मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और मान लीजिए टी, ठीक है। अवकलन करने पर ती हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक, डी एक्स बराबर डी टी आ गया, 3 0 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ 1/2 डी टी बटा रूट टी आ जाएगा, क्योंकि हमने टी इसका माना था, यहाँ पर मान रख दिया, प्लस अब यहाँ देखिए डी एक्स, यहाँ हम क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, हमेशा हम कहते आए हैं और कहते भी रहेंगे कि जब यह पूर्ण वर्ग इसका बनाते हैं तो क्या करते हैं, बीच के पद का वर्ग कर आधा कर देते हैं, आधा का वर्ग करके जोड़ देते हैं, या फिर यहाँ सामने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2, कोई दिक्कत पड़ेगा नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यह हो सकता है ऐसा होगा भी। ये ऊपर जाएगा तो टी पर माइनस 1/2 बन जाएगा, कैसे, क्योंकि नीचे रूट टी का मतलब होता है टी पावर 1/2, नीचे टी का मतलब होता है और ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। अब यहाँ से टी पावर माइनस 1/2 धन इस पर यहाँ जोड़ देंगे, नीचे भी वही सेम काम कर देंगे, और यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लगा लेंगे, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ डी एक्स बटा अंडर रूट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का होल स्क्वायर होगा ना, इसको रूट 2 में करके हम स्क्वायर कर देंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। आगे क्या होता है,
ये आया था एक बटा टू, टी पावर माइनस एक बटा दो धन एक था, नीचे था माइनस एक बटा दो धन ए, ये बगल में था डी एक्स रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, टी पावर एक बटा दो आएगा, हल करेंगे यहाँ भी करेंगे एक बटा दो आएगा। अब ये डी एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है प्लस रूट टू का ये होल स्क्वायर है। अब यहाँ दो ऊपर जाएगा दो बटा दो, टी पावर एक बटा दो, दो दो से कट जाएगा, ए आ गया हमारा सूत्र में, आप ले जाकर इसको भर दीजिए, जो सूत्र होता है आपको याद होना चाहिए। ये टी अंडर रूट क्या हो जाएगा टी, और यहाँ हो जाएगा ये डी एक्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक, अब टी का मान यहाँ लिख रखेंगे तो टी का मान क्या है एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ इसका सूत्र होता है लॉग लॉग एक्स प्लस वन अंडर रूट वही आ जाएगा जो सेम था। ठीक, प्लस सी। इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी प्रकार बाईसवां क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा, देखिए दिया एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट में नीचे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए एक तरीका है, एक्स प्लस थ्री बराबर हम क्या मानेंगे ए डी बाई डी एक्स, हर का हर जो है रखेंगे यहाँ और प्लस बी जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स का मतलब आप जानते हैं, इसका अवकलन हो जाएगा टू एक्स माइनस टू हो गया, ये जीरो हो जाएगा और ये प्लस बी। अब हम क्या करेंगे यहाँ, गुणा कर देंगे टू ए एक्स टू ए प्लस बी। अब समीकरण के दोनों पक्षों का एक्स एवं अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर तो देखिए यहाँ पर जो है टू ए एक्स बराबर एक्स है तो एक्स से कैंसिल, ए बराबर टू ए बराबर वन तो ए बराबर वन बाई टू हो जाएगा। फिर बी माइनस टू ए बराबर क्या है थ्री है, तो ए का मान यहाँ रख देंगे तो बी का मान भी प्राप्त हो जाएगा, दो कर्म दो माइनस वन बराबर थ्री है तो बी बराबर वन प्लस थ्री, बी का मान हमारा हो गया है चार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो मान एक बटा दो और बी का मान निकल गया इसके जगह एक्स प्लस थ्री दिया है। ठीक है, यानी अंश के जगह जो है हम ए ये चीज़ रखकर हल करेंगे। देखिए दिया है ए टू एक्स माइनस टू और बी, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ था ये ए टू एक्स माइनस टू प्लस बी, नीचे हमारा क्या है समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव, यहाँ ए का मान एक बटा दो हो जाएगा और बी का मान चार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस फाइव। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फाइव हो गया प्लस फोर डी एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस फाइव। ठीक, ये हम लिख लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब देखिए बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा इसके। अब यहाँ ये चीज़ मान लेंगे हम, इसको एक्स स्क्वायर माना टू एक्स माइनस फाइव बराबर मान लीजिए टी मानेंगे, जब अवकलन करेंगे तो टू एक्स माइनस टू डी एक्स बराबर कहा जाएगा डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा ये सीधा इसका आंसर बड़ी आसानी से। डी टी बटा टी हो जाएगा, एक बटा दो इसके बगल में था और यहाँ ये चार डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर टू एक्स माइनस फाइव था। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ कुछ न कुछ आप सोचेंगे या इसका पर या इसका जो है पूर्ण वर्ग बनाना आप जानते हैं भली भांत, वही फार्मूला है अप्लाई करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाना आप जान गए होंगे तो बड़ी आराम से इसको लगा सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, मैंने कहा था बीच के पद का आधा करना है, दो का आधा एक हो जाएगा,
एक जोड़ना है या एक घटाना, एक जोड़ लेते हैं एक घटा लेते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 1/2 हो गया, इसका लाग हो जाएगा टी, ये 4 हो गया। यहाँ से अब डी एक्स, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाले पद को पहले लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर 1 का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। 2x हो गया, 5 1 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस से 6 हो गया। 1/2 लॉग टी का मान हमने क्या माना था, टी का मान जो माना था यहाँ ला कर रख देंगे, तो यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, यहाँ रख दिए, यहाँ हो गया ये 4 डी एक्स, सॉरी अंडर रूट में नहीं है ये, एक्स माइनस 2 का ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का लेकर ये इसका हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 6 है तो 6 को नहीं इसका होगा, तो इसको अंडर रूट में 6 करके होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट कवर करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा। 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5, ये 4 डी एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5, ये प्लस, यहाँ अभी देखिए सूत्र किसका हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका सूत्र क्या होता है उस सूत्र में आपको रखना होगा। ये इसका सूत्र होता है 1/2a, 2a एक जगह क्या है अंडर रूट 6 है, लॉग एक्स माइनस ए होता है, एक्स की जगह क्या है पूरा यह है एक्स माइनस 1, एक जगह क्या होता है माइनस 6 है, नीचे प्लस होता है एक्स माइनस 1, ये है प्लस ये 6 होता है, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, 2 2 ना 4, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5, ये 2 अंडर रूट 6, लॉग एक्स माइनस 1 अंडर रूट 6, एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 6, ठीक यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23वां प्रश्न किस प्रकार सॉल्व होगा, ये भी देखिए देख लीजिए। देखिए 5x प्लस 3 है और यहाँ dx है, नीचे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ ये फार्मूला लगाएंगे a डी बाई डी एक्स, हर का जो है यहाँ लिखेंगे हर का समीकरण प्लस b जोड़ देंगे, इसका मतलब होगा इसका अवकलन हम करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये 5x प्लस 3, ठीक ये हो गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा प्लस b, इसका अवकलन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 5x प्लस 3 और यहाँ ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ ये 2x प्लस 4 था, अब यहाँ से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 2ax 4a प्लस b, अब समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक्स एवं अचर पद के गुणांकों की तुलना करने पर, तो 5x, अब देखिए यहाँ पर जो है 2ax बराबर क्या है 5x है, तो x x से कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 5 है तो a बराबर 5/2 हो जाएगा। फिर देखिए 4a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ देखिए ये अचर पद, अचर पद के बराबर होगा। अब यहाँ b का मान निकाल सकते हैं, a का मान रख दीजिए 5/2 प्लस b बराबर 3 है, 2 2 ना 4, 2 आ गया, 2 5 10, b बराबर 3 है तो उधर जाएगा, तो 3 माइनस 10, ये b बराबर -7 आ गया। अब b का मान क्या हो गया, ये -7। अब आसानी से हम क्या करेंगे, इसके अंश के जगह यहाँ हम ए बी का मान रखेंगे, तो देखिए किस प्रकार रखने पर क्या होता है यहाँ, ठीक है ध्यानपूर्वक इसको आप देखिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम रखेंगे जब मान, तो यहाँ से यह कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ ये हमारा समीकरण क्या था 5x प्लस 3
और अंडर रूट में क्या था, एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस टेन था। ठीक, ये फोर है, ध्यान दीजिए फोर है ये। तो यहाँ हमने क्या बन गया, यहाँ ये इस प्रकार बन गया है कि ए टू एक्स प्लस फोर प्लस बी, हमने अंश की जगह ही रखा था, माना था। अब ए का मान यहाँ रख दीजिए, ए का मान क्या है, पाँच बटा दो, टू एक्स प्लस फोर हो गया। और बी का मान क्या, माइनस सेवन, सेवन रखेंगे माइनस सेवन तो हो ही जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस टेन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको अलग अलग लिख लीजिए, पाँच बटा दो टू एक्स प्लस फोर डी एक्स बटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन हो गया। और यहाँ ये हो गया, यहाँ ये सॉरी, यहाँ ये पाँच बटा दो इसके बगल में है तो इसके बटा ये हो जाएगा। फिर यहाँ सेवन हो जाएगा डी एक्स बटा, यहाँ ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन, यहाँ इसके बगल में था इसलिए यहीं पर है यहाँ। ठीक है, तो यह एक साथ हो गया, फिर यह सेवन डी एक्स ये अलग हो गया। अब यहाँ से देखिए बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इसको यहाँ नीचे अवकलन करेंगे तो आ जाएगा ऊपर, माना एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस टेन बराबर टी मान लिए आप। जब आप टी मान लेंगे यहाँ, ठीक है, तो अवकलन करेंगे टी मान कर तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर, अवकलन करेंगे और ये डी टी हो जाएगा, यानी हो जाएगा पाँच बटा टू डी टी रूट टी हो गया। देखिए यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हम रख दिए, यहाँ यहाँ टी रख दिए। इधर क्या हो जाएगा, इधर हम क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर है, चार एक्स है, दस को हम लिख सकते हैं चार धन छः, कोई दिक्कत होगा नहीं क्योंकि छः चार दस होता ही है। अब इसको क्या करेंगे, खोल लेंगे ऊपर, जैसे पूर्व की बात मैं क्वेश्चन बताया हूँ सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी लगेगा। यह सेवन डी एक्स अंडर रूट में हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर रूट सिक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये पाँच बटा दो टी पावर माइनस एक बटा दो धन ए माइनस एक बटा दो धन ए सेवन, ये अब यहाँ जो है ये फाइव टी माइनस टू यहाँ हो जाएगा पाँच बटा दो दो टी पावर एक बटा दो, नीचे एक बटा दो आएगा, यहाँ हो जाएगा सेवन, यहाँ जो था अंडर रूट में यहाँ एक्स प्लस टू का ये होल स्क्वायर था और ये प्लस अंडर रूट सिक्स का होल स्क्वायर था। तो यहाँ सूत्र क्या लगेगा, अंडर रूट वही सूत्र लगेगा, लॉग एक्स प्लस टू अब ब्रैकेट में जो आखिरी जो आया है पूरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन। और यहाँ ये दो दो से क्या है, दो ऊपर जाएगा तो दो गुड़े पाँच बटा दो, ये टी अंडर रूट में हो जाएगा, दो दो से कैंसिल हो जाएगा, सात लॉग एक्स प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ठीक है, प्लस टेन, यानी पाँच बचेगा। और लास्ट में ले आकर आप मान रख देंगे तो आंसर क्या आएगा मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए आंसर आपका सीधा आ जाएगा यहाँ, ये पाँच अंडर रूट एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस टेन माइनस सात लाग था और बाकी सब ब्रैकेट में क्या था, वही था जो होता है। ठीक है, लॉग एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू था, एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस टेन प्लस सी, इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कह रहा प्रश्न चौबीस में, चौबीसवा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न चौबीसवा कह रहा है, वो भी बहुत आसान दिया है, डी एक्स दिया है, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू दिया है, ये भी बहुत आसान है, बाएँ हाथ का खिलौना है। देखिए एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस दो को हम एक धन लिख लिख सकते हैं, ये हो गया डी एक्स, और एक्स प्लस वन का क्या हो गया यहाँ होल स्क्वायर, आई प्लस वन का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब सूत्र होता है वन बाई ए वन टेन इनवर्स एक्स बाई वन, यानी आ जाएगा सीधा ये टेन इनवर्स वन सॉरी एक्स प्लस वन होगा, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस वन आ जाएगा, प्लस यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।